ऐसे कैसे हो मेरे भाइयों। हम फिर से खेल रहे हैं GTA 5 माइकल के साथ। तो यार आप लोग को टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि अपना माइकल जाने वाला है स्पेस में। एंड माइकल इस बात को लेकर यार बहुत ज्यादा खुश है। एंड अभी अभी माइकल के पास एक आर्मी ऑफिसर का कॉल आया कि इसे तुरंत मिलिट्री बेस पहुंचना है किसी काम से। तो माइकल अभी जाने वाला है मिलिट्री बेस सुपर कार से, क्योंकि मिलिट्री बेस यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और इसे अर्जेंट बुलाया है। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स के काम हो या फिर कोई टास्क वगैरह भी हो सकते हैं जो स्पेस में जाने से पहले हो रहे हो इसके। तो अभी हमें जाना है मिलिट्री बेस। एंड यार माइकल का हमेशा से एक सपना था कि यार ये स्पेस पे जाए, जो पूरा होने वाला है। तो माइकल यार बहुत ज़्यादा खुश है और ये स्पेस वाले वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली GTA 5 के वीडियोज़ डालता हूँ तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड गाइस हो सकता है गेम में आपको हल्का फुल्का लैग देखने को मिल जाए, क्योंकि यार मैं अभी अपने लैप ही में गेम खेल रहा हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट दिखाना। तो हमें जल्दी से जाना है मिलिट्री बेस। एंड मेरे को गेम से रिलेटेड थोड़े कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मैंने नया चैनल बनाया। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे किस तरीके के वीडियो डालने चाहिए। बाकी यार ये जो रोड है पहाड़ों वाले, मतलब याद दिला देते। देख रहे हो कितनी पतली पतली गलियां हैं, मतलब एकदम मजा आ जाता है यार इन रोडों पे मुझे गाड़ी चलाने में। पर गाइस हो सकता है जो स्पेस वाली ये वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी बने, तो मैं दो पार्ट्स में अपलोड करूंगा, क्योंकि यार बीच में माइकल को कुछ मिशंस भी कंप्लीट करने हैं, मतलब कुछ टास्क। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने। ओहो कहाँ ठोक दी मैंने बातों बातों में। जल्दी से चलना है मिलिट्री बेस, तो मैं डायरेक्टली आप लोग को वहीं पे मिलता हूँ। मिलिट्री बेस पहुंचने ही वाले हैं। एंड इस गाड़ी से आने में मेरे को काफी कम टाइम लगा। अगर मैं अपनी फैमिली कार से मतलब आता तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता माइकल को। तो हमें यहाँ से अंदर एंट्री लेनी है। तो हम लोगों ने गेट तोड़ दिया, क्योंकि यार हमारे पास पूरा पास है तो कोई दिक्कत नहीं। हमें जाना है स्टार पे, और ये स्टार कहाँ पे है मेरे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि माइकल पहली बार ही इस मिलिट्री बेस में। ओके तो मेरे को यहाँ पता चल गया यहाँ जाना है। तो मैं ओके तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर देते हैं। एंड हमें शायद अंदर जाना है जहाँ ये सारे ऑफिसर्स वगैरह खड़े हुए हैं। तो माइकल को कोई भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार ऑफिसर ने खुद कॉल करके बुलाया, तो हमें अंदर जाना है। ओके तो हम लोग को किधर जाना है, शायद इधर से जाना है चेकिंग करवा के अपनी। हाँ स्टार भी इधर ही दिखा रहा है। ओके तो हमें किधर जाना है, मुझे लगता है शायद ये लिफ्ट है, खुल जा। ओके तो भाई शायद हमें लिफ्ट से ऊपर जाना है। तो माइकल को थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि माइकल पहली बार आया है। अबे यार गलती से नीचे आ गया माइकल फिर से। अबे भाई ऊपर चल ले, इसे तो लिफ्ट ही चलानी नहीं आ रही है मतलब। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, तो शायद हमें सीढ़ियों से और ऊपर जाना है, मतलब यहीं तक लिफ्ट लगाई, ऊपर तक ही लिफ्ट लगा देते। ओहो कितना चलना पड़ेगा। ओके तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ओके तो ये है कमांडर, शायद हमें इससे बात करनी है कोई। ओके अबे जल्दी बोल दे भाई। ओके तो गाइस हमें जाना है सैटेलाइट, एंड वहाँ से कुछ डेटा वेटा लेके आना है। हमें जनरल ये बताया मतलब जो कमांडर था, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। एंड माइकल को यही टास्क पूरा करना है शायद अभी। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और फिर लेके आते हैं डेटा जो भी मतलब कमांडर ने बोला है। ओके ओके तो हम लोग नीचे आ गए। लिफ्ट देख रहे हो कितनी तेज है भाई, हाई टेक है बिल्कुल, मतलब खड़े होते मतलब नीचे पहुंचा दे रही है। कैसे चंदे वाला चश्मा लगा के बैठा है। ओके तो हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, अच्छा रहा यहाँ से कोई लेके नहीं गया। तो मैं पहले मार्क कर देता हूँ हमें कहाँ जाना है। वैसे ही आप लोग येलो ये देख रहे होगे लाइन, बट मैं मार्क कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो ये काम तो हमारे बाएं हाथ का, ये जाके सीधे लेके आते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार ये कमांडर हमें क्या काम देता है। तो हम लोग को बाहर पहले निकलना पड़ेगा, तो शायद मैं इस साइड से आया था। तो यार यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। और यार प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब ये गेम कम से कम 50 बार क्रैश हो गया इसे बनाते टाइम। तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके तो गाइस मैं मिलिट्री बेस से बाहर तो निकल आया, एंड मेरे को जाना है सैटेलाइट का जो बेस है वहाँ पे। तो हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा काम जल्दी जल्दी करना है। एंड यहाँ देख रहे हो कितनी ज़्यादा आर्मी की जीप घूम रही है। और अच्छा रहा यार मैं ये सुपर कार लेके आया हूँ। ओहो भाई कैसे चला रहा हूँ मैं भी, देख रहे हो मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। देख रहे हो माइकल मतलब अंधी गाड़ी चला रहा है।
ये कोई नंगा पेड़ से बंधा है, बट हमारे पास टाइम नहीं किसी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि अपन को अपना ड्रीम पूरा करना है पहले। तो जल्दी से जाना है सैटेलाइट बेस। ओके तो गाइस मैं जल्दी से चलता हूँ एंड डायरेक्टली आप लोग को वहीं पे मिलता हूँ। हम लोग सैटेलाइट बेस पहुंचने वाले हैं और बारिश होना भी स्टार्ट हो गई है, मतलब देख रहे हो धूप भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, मौसम भी देख रहे हो कितना खतरनाक सा हो रहा है। तो बस पहुंच ही गया, मेरे को यहाँ से दिखाई दे रही है सैटेलाइट, आप लोग को भी दिखाई दे रही होंगी। ओके तो हमें यहाँ क्या काम करना है, ओके शायद हमें यहाँ से डेटा लेना है, तो मेरे को पहले ऊपर जाना पड़ेगा इन सबके ऊपर एंड एक एक करके डेटा लेना पड़ेगा। तो मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ, किधर से जाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार, अबे यार इधर से जाना पड़ेगा, मतलब फालतू में देख रहे हो चूतिया बनाने के लिए सीढ़ियाँ लगा रखी हैं, तो हम लोग को इस साइड से जाना है। अबे यार वो लगाई क्यों है, मतलब वहाँ कोई काम ही नहीं है, तो उन सीढ़ियों को मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए लगा रखी है, कोई बंदा आएगा तो हमें यहाँ से डेटा लेना है। देख रहे हो बारिश में भी लैपटॉप चल रहे हैं और यहाँ रखे कि नए लैपटॉप। ओके तो हमने एक सैटेलाइट से तो डेटा ले लिया, हमें सबसे लेना है, कूद जाए यार जल्दी। देख रहे हो कितनी सारी हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से डेटा ले लेता हूँ एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। अभी भाग ले भाई, ओके तो गाइज मैंने सारी सैटेलाइट से डेटा ले लिया, ये लास्ट बची है तो इससे भी मैं जल्दी से डेटा ले लेता हूँ एंड उसके बाद देखता हूँ कि मुझे कहाँ पे जाना है इस डेटा को देने, मतलब कमांडर के पास जाना है या फिर कहीं और जाना है, वो तो अभी देखना पड़ेगा। ओके जल्दी से ले लेता हूँ इससे भी डेटा। तो मैंने सबसे डेटा ले लिया एंड मेरे को यहाँ से जल्दी से जाना है नीचे। अरे 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 वो भाई कूद भी नहीं रहा अच्छे से, जंप तो अच्छे से कर लेता। तो हमें ह्यूमन लैब्स जाना है, तो हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है। अबे यार लग रहा है मेरी गाड़ी को यहाँ से कोई चोरी करके लेके चला गया है। नहीं, शायद खड़ी हुई है। ओके तो गाइस हमारी गाड़ी तो खड़ी है, बारिश के मौसम में कोई गाड़ी नहीं लेगा, अच्छी बात है, नहीं तो इस वाले एरिया से जल्दी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो आप लोग को मैप में दिख रहा होगा येलो वाला साइन, हमें वहीं पे जाना है इस सारे डेटा को देने। देखिए बारिश भी कितना तेज हो रही है, मतलब मौसम का भी लॉस एंड तो उसमें पता नहीं है यार, कभी मौसम बदल जाता है यहाँ पे भी। अरे 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 आराम से चला ले यार माइकल, इतनी भी जल्दी कहाँ हो रही है, स्पेस पे चक्कर में ऊपर ही मत चला जाना। अभी माइकल के पास कमांडर का कॉल आया कि इसे ह्यूमन लैब जल्दी से पहुंचना पड़ेगा, उन्हें बहुत अर्जेंट ये डेटा चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो शायद इस डेटा से वो लोग कुछ चेक करने वाले हैं, इसीलिए माइकल को यार इतना अर्जेंट ऑफिसर ने फोन करके बुलाया था। तो हमें जल्दी से पहुंचना पड़ेगा उस लैब में। अगर इसमें आपको बता दूं कि यार उनकी कोई टीम स्पेस में गई थी तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए उन लोगों ने माइकल को सेलेक्ट किया है, शायद इसीलिए लोग इसे स्पेस में भेज रहे हैं, अभी अभी कमांडर ने मेरे को बताया। तो इस डेटा से पता चलेगा जो उनकी टीम गई हो उसे क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो हम लोग को जल्दी से पहुंचना है, हम पहुंचने ही वाले हैं। पर यार देख लो मौसम भी कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग किधर से एंट्री लें, हम लोग इधर से ही चलते हैं और सब तरफ का यार पास है माइकल के पास, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गार्ड नहीं रोकेगा, तो हम लोग जल्दी से गाड़ी को इधर ही पार्क कर देते हैं यार, क्योंकि अपने पास भी टाइम नहीं है जल्दी से इस डेटा को पहुँचाना है। तो गेट किधर है यार, गेट तो आगे है, तो मैं ऐसा करता हूँ आगे ही गाड़ी लेके जाता हूँ अपनी, तो पैदल जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं अपनी गाड़ी से ही जाता हूँ, उस साइड ही पार कर दूंगा इसको। ओके तो गाइस मेरे को शायद सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, कि यार तो इनकी लैब भी कितनी कितनी बड़ी बनी होती है, देख रहे हो पूरा इंस्टीट्यूट टाइप का लग रहा है, रिसर्च सेंटर जो होता है कितना बड़ा है, पता ही नहीं चलना जाना किधर है। ओके तो हमें वहां जाना है, देख लो कितना बड़ा है भाई ये। ओके तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और देख लो कितनी ज्यादा शांति है, तो हमें साइंटिस्ट के पास जाना है, साइंटिस्ट कहाँ रहा है, ये तो गार्ड है देख लो कैसा ढीला सा गार्ड है, देख लो क्या कर रहा है वो ढीले।
ये ऊपर तक का बटन लगा रखा है डीले ने। ओके तो हमें अंदर जाना है, तो इधर जाना पड़ेगा हमें। तो ये है साइंटिस्ट है, इसे देना है हमें सारा डेटा। ओके तो काफ़ी खुश हैं ये माइकल के काम से। ओके तो हमें बाहर निकल के जाना है। इन लोगों ने तो यार बेइज्जती कर दी, मतलब हम इतनी मेहनत से डेटा लेके आए हैं बारिश में से, देख रहे हो, फिर बेइज्जती कर दी, मतलब बाहर निकलो सीधे, मतलब डेटा ले दी, देख रहे हो, मतलब अपना काम हो गया तो सीधे भगा दिया माइकल को। मतलब चाय वाय भी नहीं पूछी ऐसी बारिश के मौसम में, चाय पूछ लेते यार कम से कम। ओके तो गाइस हमें कमांडर के पास दोबारा से जाना पड़ेगा। और यार मैंने गाड़ी कहाँ पार्क कर दी मुझे यही नहीं पता है, जल्दीबाजी में शायद मैंने यही पार्क करी है तो मेरे को गाड़ी दिख गई है। तो हमें दोबारा से कमांडर के पास जाना है एंड पता नहीं कमांडर क्या बोलने वाला है। ओके तो गाइस हमें जल्दी से जाना है कमांडर के पास एंड देखते हैं कि यार वो माइकल को स्पेस में भेजता है नहीं भेजता, मतलब चांद पे जाने के लिए देख रहे हो माइकल को कितना मेहनत करनी पड़ रही है। तो हम लोग को जल्दी से चलना है कमांडर के पास, देखते हैं कमांडर क्या कह रहा है। एंड गाइस इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें माइकल स्पेस में जाएगा, मतलब चांद पे जाएगा या फिर पता नहीं कहाँ जाएगा, मतलब जाएगा तो स्पेस में ही। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं कमांडर के पास एंड यार बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से मिलिट्री बेस, देख रहे हो, मतलब एक दुनिया के इस कोने में बना रखा है बेस, एक उस कोने पर, ये नहीं मतलब थोड़ा पास पास बना ले, देख रहे हो इतना दूर दूर बना रखा है, ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है। कोई नहीं यार स्पेस में जाने के लिए माइकल इतना तो कर ही सकता है। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं, वो आगे से ट्रेन भी आ रही थी यार, और अच्छा रहा मैं ये गाड़ी ले आया, काफ़ी सही भाग रही है, इसका पिकअप पिकअप सही है, नहीं तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता अगर कोई और गाड़ी होती। अरे भाई लाइट क्यों चला रहा है, जाने देगा वो यार, अभी ठोक देता, देख रहे हो, तो लोग भी बावले से हो रहे हैं एकदम। तो माइकल तो अलग ही हो रहा है बावला, एकदम तेज़ सी गाड़ी चला रहा है स्पेस में जाने के लिए। ओके तो गाइस यहाँ से मिलिट्री बेस काफ़ी ज़्यादा दूर है तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा एंड मैं आप लोग को डायरेक्टली वहीं पे मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मतलब एक दो घंटे तो यार आराम से लग जाएंगे जाने में, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो गाइस हम लोग मिलिट्री बेस पहुँच चुके हैं, देखते हैं गेट खोलता नहीं खोलता। ओके तो यार इसने गेट भी खोल दिया, मतलब देख रहे हो अगर इन लोगों का काम करेंगे तो यार ये लोग देख रहे हो कितने आराम से अंदर आने दे रहे हैं, नहीं तो वैसे अगर कोई बंदा आता है ये लोग घूम देते हैं। और टैंकर देख रहे हो बारिश में भी टैंकर घूम रहा है, मतलब गश्त लगा रहा है पूरे मिलिट्री में, देख रहे हो कितनी तगड़ी सिक्योरिटी, और यहाँ गार्ड वार्ड भी खड़े हुए हैं बारिश में, यहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा है, देख रहे हो मेहनत, देख रहे हो लोगों की, भाई मिलिट्री बेस वाले बंदे भाई खतरनाक ही होते हैं आर्मी वाले, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, वो भाई कैसे चला रहा हूँ मैं गाड़ी अंधों की तरह, तो बारिश में कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को जाना किधर है, शायद मेरे को आगे जाना है या पता नहीं बाहर ना निकल जाऊँ यार मैं, तो मेरे को इस साइड जाना है। हाँ गाइस इस साइड ही जाना है मेरे को, हाँ तो मेरे को ये टावर दिख चुका है, और यहाँ देखो बारिश में भी लोग खड़े हुए, तो मैं यहाँ गाड़ी अपनी पार्क कर देता हूँ, मिल के आता हूँ जल्दी से कमांडर से, देखता हूँ कि यार कमांडर क्या बोल रहा है। ये देख रहे हो ऑफिसर की, और भाई क्या हाल है तेरे, देख रहे हो ऑफिसर बारिश में भी, देख रहे हो भाई इतनी मेहनत चल रही है, चश्मा वश्मा लगा रखा है। तो मुझे इस साइड से जाना है, मैं लिफ्ट से ही जाऊँगा ऊपर, क्योंकि यार सीढ़ियों से तो सांस फूल जाएगी यार माइकल की जाते जाते, खुल जा। ओके तो हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, हमें जाना है और ऊपर। ओके गाइस माइकल कमांडर से बात करके आ चुके हैं एंड कमांडर ने यार इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी है इसके काम की, कि यार बारिश में तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और यार कमांडर ने भी हाँ कर दिया कि यार तुम स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो मैं आपको बता दूं यार छोटी सी एक प्रॉब्लम हो गई कि अभी माइकल स्पेस में नहीं जा सकता है, इसे 2-3 दिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यार इसकी एज हो गई है थोड़ी सी, तो इसे थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी एंड ये उसके बाद ही जा सकता है स्पेस में, बस मिलिट्री बेस आएगा एंड ये लोग इसे स्पेस में भेजने वाले हैं, क्योंकि यार स्पेस में जाना कोई बच्चों का काम नहीं है। ऊपर से यार इन लोगों को छोटी सी एक प्रॉब्लम हो गई है, इन लोगों की एक टीम साइंटिस्ट लोगों की स्पेस में गई थी जो अभी तक वापस नहीं आई, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए माइकल को भेजा जा रहा है देखने, तो हो सकता है वहाँ पे एलियंस की कुछ प्रॉब्लम हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है पार्ट 2, इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एलियंस वगैरह भी शायद उसमें देखने को मिल जाए, तो यार प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एंड आप लोग को पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं नीचे, यार एक तो ये सीढ़ियाँ इतनी लगा रखी है, लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है, तो मैं आप लोग को डायरेक्टली बाहर ही मिलता हूँ। ओके गाइस तो माइकल बाहर आ चुका है सीढ़ियों से, और माइकल की भाई ऐसी तैसी हो चुकी है, और यहाँ देखो यार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, पता नहीं देख रहे हो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, और पता नहीं कैमरों में क्या चल रहा है। तो हमें तो जल्दी से जाना पड़ेगा घर,
क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा खराब, और माइकल को यार चाय पीने की आदत है बहुत ज्यादा, तो माइकल सीधे घर जाके चाय पीने वाला है, और यार ठंड भी बहुत हो रहा है, तो हम लोग को सीधे यहाँ से डायरेक्ट घर पे जाना पड़ेगा। उसके बाद माइकल थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह लेगा, मतलब जिम वगैरह ज्वाइन करने वाला है, उसके बाद ये जाने वाला है स्पेस में साइंटिस्ट की हेल्प करने। तो हम इसे माइकल जा रहा है घर, और यार माइकल आज बहुत ज्यादा थक भी चुका है, और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो ये अब घर जाके सीधे आराम करेगा। तो हम लोग वीडियो को बस यहीं पे खत्म करते, नहीं तो यार वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं डेली GTA 5 के वीडियोस डालता हूँ, तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।